खबर इस वक्त की आपको बता दें, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है उसके मुताबिक अब आपको बता दें जो बड़ी खबर सामने आई है, अमित शाह को गृह मंत्रालय मिला है। यह स्पष्ट हो गया है, अमित शाह को गृह मंत्रालय मिला है। राजनाथ सिंह इससे पहले गृह मंत्री थे और इस मोदी सरकार पार्ट टू में बड़ा जिम्मा मिला है अमित शाह को, और अमित शाह को गृह मंत्रालय मिला है। और अब बंटवारा जो है विभागों को लेकर जो अब तक सस्पेंस बना हुआ था वो अब साफ होता जा रहा है। आपको हम बता दें बीजेपी के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह, उन्हें गृह मंत्रालय मिला है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सरकार में। राजनाथ सिंह को बताया जा रहा है कि वित्त मंत्रालय उनको मिला है, लेकिन इससे पहले अमित शाह की अगर हम बात करें तो अमित शाह जिस तरह से यहां तक पहुंचे हैं और पहली बार लोकसभा चुनाव जीतने के बाद गांधीनगर से सीधे कैबिनेट मंत्री का उन्हें ओहदा मिला, और साथ ही साथ जो बड़ी खबर सामने आ रही है राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय का विभाग मिला है। निर्मला सीतारमण इससे पहले संभाल रही थी, रक्षा मंत्री थी वो मोदी सरकार पार्ट वन में, और अब मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में आपको बता दें। और इस बीच स्मृति ईरानी महिला और बाल विकास मंत्री बनी है। मेनका गांधी जो इससे पहले देख रही थी इस मंत्रालय को, अब स्मृति ईरानी को ये बड़ा ओहदा, ये बड़ा पद मिला है, ये विभाग मिला है। गृह मंत्री बनाए गए हैं अमित शाह, तो अब धीरे धीरे साफ होता जा रहा है कि किस मंत्री को कौन सा विभाग मिला है, जिसमें जो बड़े नाम बड़े चेहरे हैं उनको सबसे पहले बता दें अमित शाह गृह मंत्री, यानी कि हमारे देश के गृह मंत्री अब अमित शाह होंगे, जो कि अब तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, चाणक्य माने गए 2014-2019 के चुनाव की। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, जो अब तक गृह मंत्रालय संभाल रहे थे उन्हें रक्षा मंत्री बना दिया गया है। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय, अरुण जेटली इससे पहले वित्त मंत्रालय संभाल रहे थे लेकिन उनकी बीमारी की वजह से उन्होंने खुद ही मना किया था कोई भी विभाग उन्हें सौंपने को लेकर, तो निर्मला सीतारमण को यह विभाग मिला। और इस बीच एक बार फिर से आपको बता दें जो अब तक नाम सामने आए हैं, धीरे धीरे विभागों का बंटवारा हो रहा है और नाम सामने आ रहे हैं, तो अब ये साफ हो चुका है गृह मंत्रालय जो है वो अमित शाह को मिला है, और साथ ही साथ निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्रालय मिला है, जो अब तक अरुण जेटली देखते रहे थे, एक बहुत बड़ा चेहरा, बहुत बड़ा नाम, लेकिन उनकी सेहत खराब होने की वजह से उन्होंने खुद ही कुछ समय पहले ट्वीट किया था और उन्होंने कहा था कि अब वो सेहत पर ध्यान देना चाहते हैं। इस बीच राजनाथ सिंह को वित्त मंत्री, राजनाथ सिंह को भी आपको हम बता दें रक्षा मंत्रालय उनको मिला है, जो कि निर्मला सीतारमण देख रही थी। हालांकि कयास ये लगाया जा रहा था कि हो सकता है निर्मला सीतारमण को ही रिपीट किया जाए इस बार भी रक्षा मंत्री के तौर पर, क्योंकि उन्हीं के समय में रफेल को लेकर जिस तरह से संसद से लेकर सड़क तक निर्मला सीतारमण ने सरकार का पक्ष लिया और जिस तरह से पुरजोर तरीके से राहुल गांधी की बातों को डिफेंड करते हुए, राहुल गांधी की बातों का विरोध करते हुए, सरकार को डिफेंड करते हुए संसद से सड़क तक निर्मला सीतारमण दिखी।